हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ शेफ़ हानिया मसरूर बवेज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक बीफ की बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारी फैमिली में दो जनरेशन से है। तो चलिए आइए देखें कैसे बनती है। बीफ रोस्ट बनाने के लिए, मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। उसके साथ साथ हमें आगे रेसिपी में चाहिए होगा 1/2 कप कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 कप खटाई का पाउडर, 1/2 कप ऑयल या घी और 1/4 कप कुटी हुई काली मिर्च। इस रेसिपी में हमारे पास है 1 kg बीफ शैंक जो कि रान का गोश्त होता है, और हम इस पीस ऑफ मीट को फोर्क की मदद से इस तरह प्रिक कर देंगे ताकि हमारी जो भी मैरिनेशन हो वो अंदर तक जा सके। इसका ये जो साइड पे फैट का पीस है वो हम नहीं निकालेंगे क्योंकि उससे हमारे रोस्ट के अंदर मॉइस्चर रिटेन रहेगा और एडेड फ्लेवर आएगा। हम इसको स्कोर इसलिए कर रहे हैं कि जो भी हम मैरिनेशन करेंगे, अभी फिलहाल तो सिर्फ सिरका कर रहे हैं, लेकिन मैरिनेशन जो भी करेंगे वो इसके अंदर तक चली जाएगी और बहुत फ्लेवरफुल हमारा रोस्ट बनेगा। ओके, आई एम रियली सॉरी, बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो बेसिकली मैंने सिर्फ वो जो 1 टेबल स्पून नमक था, 1 टेबल स्पून नमक डाला है इसके अंदर और सिरका डाला है। दैट्स इट। डाइल्यूट करने के बाद मैंने उसके अंदर जो हमने स्कोर किया हुआ मीट था वो डाल दिया था, और अब हम इसको 24 घंटे तक मैरिनेशन में रखेंगे, कवर कर देंगे और 24 घंटे के बाद इसको पकाएंगे। जी, अब ये नेक्स्ट डे हो गया है, इसको 24 आवर्स हो गए हैं मैरिनेट हुए हुए। थ्रू आउट दिस 25 आवर्स की ड्यूरेशन आपको थोड़ी थोड़ी देर, एक दो घंटे के बाद आप गोश्त को निकाल के उसको इसी तरीके से स्कोर करते रहिएगा। अब हम पतीली के अंदर गोश्त को डाल देंगे इंक्लूडिंग द वाटर, और इसको कवर करके 1 से 1.5 घंटा पकाएंगे। आगे के स्टेप्स इसके बाद होंगे, आप पूरी वीडियो देखिएगा। बीच में हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहेंगे कि इसको एक्स्ट्रा सॉफ्ट किस तरह रखना है, किस तरीके से भूनना है, जो भी इसके प्रॉपर प्रोसेसेस होंगे वो बताएंगे। तो स्टिक अराउंड टिल द एंड। रोस्ट को पकते हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें अभी भी देखिए आप वाटर जो इसका सारे लिक्विड था वो रहता है एक्सेस, लेकिन फोर्क से प्रिक करके मैं आपको ये दिखाती हूँ कि गोश्त जो है वो इसका टेंडर होना शुरू हो चुका है, और इसके फाइबर्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लूज़ होना शुरू हो गए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक टेंडर टू टच है। अब इसको दरमियानी आंच पे रखते हुए हमारे जो बाकी इंग्रेडिएंट्स थे वो हम सब डाल देंगे, जिसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा है, खटाई पाउडर है, कुटी हुई काली मिर्च है और ऑयल है। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम थोड़ी देर उसको स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे और कवर करके उसको अराउंड 30-45 मिनट्स तक और पकाएंगे। हमने शुरू में इसमें 1 टेबल स्पून नमक ही डाला था। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप लोग थोड़ा सा नमक ज़्यादा खाते हैं तो आप और डाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसके अंदर विनेगर भी है और खटाई पाउडर भी है। तो आप मसाला थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद अपने हिसाब से नमक, और अगर आप थोड़ा सा और खट्टा करना चाहें तो विनेगर या खटाई पाउडर और डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमने अराउंड 35-45 मिनट्स तक पकाया है। सारा पानी इसका इवेपोरेट हो चुका है, बीफ हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है, मसाला सारा अच्छे तरीके से भुन गया है। अब ये देखिए, हमने प्लेटिंग करके आपको दिखा दिया है,
और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।